नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष 93 पे। और आज हम लोग देखेंगे रेनबो का 10वां चैप्टर है ना, इंडिया थ्रो ट्रेवलर आइस, जिसे किसने लिखा है, पर्ल एस बक ने। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वो इसलिए ताकि कल मॉर्निंग में अगर मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू। अगर आप ओल्ड हैं तो सिंपली वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। बिकॉज ऑफ कि अपने तो आप पढ़ रहे हैं, अगर दोस्तों को करते हैं तो आपके लिए दोस्त ज़रूर थैंक यू बोलेंगे, इसलिए एक फ्रेंड्स को आप ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, अच्छा, चैप्टर नंबर 1 से इंडियन थ्रो है ना, जैसे चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लेकर ये इंडिया थ्रो ट्रेवलर आइस तक का आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है ना, क्वेश्चन आंसर, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपका समरी, हर चैप्टर का वीडियो अपलोड इस चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाएं और सबको सभी वीडियो को देखें और एंजॉय करें, राइट। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि मुझे पीडीएफ मिले सबका, ठीक है, तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। इससे भी अगर नहीं होता तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू ले सकते हैं, राइट। बहुत ही कलरफुल पीडीएफ है। थैंक यू। चलिए लेट्स हैव अ स्टार्ट। समरी हम लोग देखते हैं हिंदी में। इंडिया थ्रो ट्रेवलर आइस, ठीक है, भारत से होती गुजरती हुई मेरी आंखें, इसे किसने लिखा है, पर्ल एस बक ने। इज एन एक्सट्रैक्ट है ना, एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है, ये कहाँ से लिया गया, कंपोज्ड बाय पर्ल एस बक, ठीक है, पर्ल एस बक ने इसे लिखा है। अच्छा, एक बात समझिएगा, देखिए मैंने ना इंडिया थ्रो ट्रेवलर आइस को यहाँ पे डबल कोमा में डाला हुआ है, तो आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, कॉपी पे जब लिखेंगे, इसे आप घेर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे कॉपी चेक करेंगे टीचर, उनका ध्यान केंद्रित होगा, अच्छा बच्चों ने ये घेरा हुआ ना, तो उन्हें समथिंग डिफरेंट लगेगा, नहीं और भी बच्चों से इन्होंने अच्छा करा है, डिफरेंट करा है, चलो भाई नंबर देते हैं। मोस्टली होता है क्या, समरी 5 नंबर का होता है, आपको 4 नंबर मिलता है, 4.5 मिलता है, या बहुत अच्छा लिखते हैं तो 5 मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह सजा के लिखेंगे, जैसे मैंने देखिए पर्ल एस बक को लिखा है, तो मेन तो यही 2 करेक्टर है ना समरी का, तो आप इसे कोमा में डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं और भी कुछ अच्छा वर्ड्स इसमें आ रहे हैं उसे करना चाहिए, तो आप उसे घेर सकते हैं। ये हाइलाइटर्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सी वॉज बोर्न इन 1892, मतलब 1892 इनका जन्म हुआ था, कहाँ, अमेरिका में, राइट। अच्छा, रहने वाले इंडिया के थे इनके पेरेंट्स, ठीक ना, इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। सी इज है ना नोन एज ट्रेवल्यू, मतलब होता है यात्रा प्रीति, जैसे आप कहीं भी आप घूमते हैं ना, तो वहाँ की हर चीज़ को डिटेल्स में आप लिखते रहते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेवल्यू। इट हैज़ टेकन फ्रॉम हर बुक माई सेवरल वर्ल्ड्स, देखिए इनका एक बहुत बड़ा बुक है, जैसे आप देखेंगे ना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कहाँ से लिया गया, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ बुक से लिया गया, तो वैसे ये कहाँ से लिया गया, माई सेवरल वर्ल्ड्स, ठीक है। इन दिस बुक है ना रिकॉर्डेड हर पर्सनल लाइफ, मतलब इस किताब में उनके पर्सनल डिटेल्स को लिखा गया, वहीं से इन्होंने इस चीज़ को निकाली है, राइट ना। ये चैप्टर जो है इंडिया थ्रो ट्रेवलर आइस। सी शोस लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजर्स, मतलब वो हमारे भारतीय गांव में जो गरीब लोग हैं उनके प्रति अपना प्रेम स्नेह दिखाते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड पैराग्राफ, माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जैसे मैंने पैराग्राफ चेंज कराया, हर पैराग्राफ चेंज करने का अपना खुद का मीनिंग होता है, राइट ना। और आप इसी तरह बोर्ड एग्जाम में देखिए, कम से कम 3 से 4 हार्डली 5 पैराग्राफ जरूर चेंज करिएगा, आपको 5 नंबर चाहिए तो, समझे बात। जैसे देखिए, हम मनुष्य का अगर देख लें तो हमारा फेस का क्या काम है, एक अपना काम है, देखना है, चेहरे ग्लोइंग करना है, खाना है, तो दूसरा क्या हमारा पेट का काम क्या, डाइजेशन करना, पैर का काम है चलना, हाथ का काम है किसी को शो करना पकड़ना। इसी तरह हमारा समरी जो होता है, सारांश जो होता है, उसका एक फेस होना चाहिए, एक बॉडी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप अलग अलग बना सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ। इन दिस एक्सट्रैक्ट पर्ल एस बक डिस्क्राइब्ड हर, ठीक है, पर्ल एस बक डिस्क्राइब हर विजिट टू इंडिया। इस चैप्टर में वो क्या करती हैं, मतलब बता रही हैं किसके बारे में, जो विजिट की थी इंडिया को, इंडिया में कहाँ कहाँ गई थी उसके बारे में वो बताती है। सी सेड इंडिया हैड ऑलवेज है ना पार्ट ऑफ बैकग्राउंड है ना पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ, बताती कि मेरे जीवन का ना भाई इंडिया एक रहा हुआ बैकग्राउंड है, क्योंकि इनके पेरेंट्स इंडियन है,
तो ये सोचती हैं कि एक बार मैं काश इंडिया जाऊं, और इनका ये सपना था कि भारत घूम कर आएँ, और वो आई। अब देखिए क्या क्या भारत देखती हैं। सी हैड हर्ड अ लॉट ऑफ इंडिया फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर। उनके जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने बहुत सारा बात इनको इंडिया के बारे में बताया कि भाई हमारे भारत में ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, इंडिया गेट है, गोलघर है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनके पेरेंट्स ने, फैमिली डॉक्टर ने बताया। तो इनको लगा कि नहीं जाना चाहिए, है ना, हुवर इंडियंस। सी हैड आल्सो है ना लर्नड बुद्धिज्म एंड देयर है ना द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इन्होंने किसके बारे में, जो गौतम बुद्ध, उनके बारे में भी इन्होंने स्टडी करी है। तो उनको लगा कि नहीं भाई एक बारी चलना चाहिए, और ये भारत की यात्रा पर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द राइटर सेड दैट है ना आई हैड कम टू इंडिया नॉट टू सी द ताजमहल। मैं जो भारत आई हूँ, ठीक है, ना केवल मैं ताजमहल देखने के लिए है ना, ना फतेहपुर सीकरी देखने के लिए और सम हिस्टोरिकल प्लेस, ये सारे देखने नहीं आई हूँ मैं। मेरा क्या मिशन है कि हर मिशन वॉज टू हियर एंड सी द है ना यंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडियन सिटीज एंड पीसेंट्स इन द विलेज। वो चाहती थी कि यहाँ के जो यंग्स हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उनको सुनना चाहती थी, जो उनमें बुद्धिमानता भरी हुई है, जो इनमें क्वालिटीज़ है, गुण, उनको देखना चाहती थी, उनको सुनना चाहती थी, जो हमारे शहर में हमारे पीसेंट्स, मतलब जानते हैं ना किसान होता है, फार्मर्स, उनको सुनना चाहते थे, गांव के विलेज लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, राइट ना। सी फाउंड थाउजेंड्स ऑफ यंग इंडिविजुअल्स ट्रेन इन इंग्लिश। उन्होंने देखी, बाप रे बाप, इतनी सारे हजारों के कदार में लोग इंग्लिश में एक्सपर्ट है, पढ़े लिखे हैं, परंतु जॉबलेस हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती है। ये तो चिरंतन सत्य भाई इंडिया का। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या लास्ट वन है। देखिए कहती, द राइटर शेयर्ड हर ईटिंग है ना एंड टॉकिंग विथ पीपुल। वो खाना पीना और लोगों से बात किया हुआ चीज़ों को इसमें एक्सप्रेस करके बताते, शेयर करती हैं कि इंडियंस पीपुल आर रिलीजियस माइंडेड, मतलब ये धार्मिक दिमाग वाले होते, धार्मिक मन वाले। द राइटर रोट ए बुक, और इन्होंने एक किताब लिखी है, वो इसको मैंने नहीं करा बोल्ड, कम माई बिलव्ड, ये अमेरिका में लिखी थी पहला बुक जो इनका पब्लिश हुआ, लेकिन किसी ने देखा, फिर धीरे धीरे चल गया। सी बिलीव्स दैट गॉड इज द वन, वो विश्वास करती भगवान एक है, द फादर ऑफ मैनकाइंड एंड दैट ऑल मैन आर ब्रदर्स, और सभी को एक भाईचारों में रहना चाहिए, ठीक। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर, यू कैन ज्वाइन। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ इस चैप्टर के बारे में कि ये जो है परलेस भक्त, ये भारत आती है, और ये जानते हैं बहुत सारे स्टेट्स में जाती हैं। इनका मैं बता दूँ, कश्मीर में इनके फ्रेंड्स का शादी हुआ था, और इनके हस्बैंड्स गोरे थे, बट इनकी जो फ्रेंड्स थी वो थोड़ा कुछ सावली थी, तो वो उस चीज़ को कश्मीर के दृश्य को दर्शाती है कि वाह क्या ब्यूटी है यहाँ का। उसके बाद मद्रास में जाती है ना, तो मद्रास में जाकर ये दर्शाती किसके बारे में, खाने के बारे में। वो खाने में मतलब क्या, जैसे केला के पत्तों में खिलाया जाता है ना, तो उस चीज़ को ये बताती है। उसके बाद गाँव में जाती है, नहीं होता टटिया वाला घर, गोबर से लिपा हुआ ज़मीन, उन सभी चीज़ों को ये एक्सप्रेस करती है, ठीक। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको अच्छा समझा पाए मैंने।